पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश पर संपूर्ण प्रदेश में जागरूकता अभियान अभिमन्यु चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तारतम्य में आज रविवार को उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु आईपीएस द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल की उपस्थिति में महाराजवाड़े पर अभिमन्यु अभियान के तहत उपस्थित आमजन को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक कर अभिमन्यु शुभंकर के साथ सेल्फी लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को अभियान से संबंधित शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में एडिशनल SP शहर पश्चिम गजेंद्र सिंह वर्धमान, विदिता डागर IPS, DSP यातायात नरेश बाबू अन्नौटिया, DSP महिला अपराध शाखा हिना खान, थाना प्रभारी महिला थाना अनिता मिश्रा, थाना प्रभारी कोतवाली दामोदर गुप्ता, सुबेदार रूमा नाज सहित पुलिस के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। तो ये जो हमारी चक्रव्यूह जो बना हुआ है इसको तोड़ने का एक पहला कारण ये है हमको कि सिर्फ बात ही नहीं करना है, हमको कोशिश करना है। जहां हम देखते हैं कि इस तरह के लोग हैं जिनकी मानसिकता दूषित है उनको तत्काल जवाब देना है, उनके बारे में सूचना देनी है और उसके लिए हमारी जो महिला हेल्पलाइन है, पुलिस हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है और राष्ट्रीय महिला आयोग पुलिस हेल्पलाइन है, ये सारा आपकी मदद करने के लिए है। और जब एक बार किसी जगह पे किसी मोहल्ले में अगर महिलाएं भी छान लेती हैं कि 10 महिलाएं तय कर लें कि यहाँ पे कोई बदमाश को नहीं बात करने देंगे, परेशान नहीं करने देंगे, और आप अपने घर वालों घर के लोगों को कहते हो, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, तो भी उससे फर्क पड़ जाता है। कोई महिला इंडिपेंडेंट पैदा नहीं होगी, एक महिला ही महिला पैदा हो गई, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई है, कोई ना कोई परिवार में पिता है उसका, तो पुरुष और महिला का दोनों का जो बराबरी का मामला है, जो नेचर ने दिया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कई सालों के इसमें जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उसने डाउन किया। लेकिन अब ये आवश्यकता है कि हमको अगर हिंदुस्तान को आगे SP ग्वालियर साहब, SPOP और मेरे साथ ऑफिसर्स, एडिशनल साहब और पुलिस की टीम और मीडिया बंधु और सभी ग्वालियर के नगरवासी, दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। ये जो कार्यक्रम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स दे दिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद महिलाओं को ये सारे हक मिल चुके हैं, तो आज महिलाएं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाके अपना जो पोजीशंस है वो बना रहे हैं। पर आज भी आप लोग देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 498 ए के केसेस, 376 के केसेस रेप केसेस, 354 ईव टीजिंग के केसेस, वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसमें कोई कमज़ोरी है या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बात नहीं है। अपना एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, पुलिसिंग के पास लगातार रोज़ चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं एंड एवरी डे वी हैव अ चैलेंज, उसको हम लोग कंटिन्यूसली हैंडल करने की कोशिश करते हैं।